नेक्स्ट पार्ट स्टडी करते हैं. हर सेल जो होता है, ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स. हर एक सेल के पास कोई ना कोई फंक्शन करने की कैपेसिटी है. अब सेल ये काम करता कैसे, सेल के पास ये एबिलिटी कहाँ से आई, हाउ डज ए लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस. तो सेल जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर करता है, ठीक है ना. जिस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे कि हम अपनी बात कर लें, ह्यूमन बींग्स की बात कर लें, हमारे पास वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास हार्ट है ब्लड को पंप करने के लिए, स्टमक है डाइजेस्ट करने के लिए फूड को एंड सो ऑन, किडनी है एक्सक्रीशन करने के लिए, है ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम. इस प्रकार से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, अलग अलग फंक्शन है. ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे शरीर में डिवीज़न ऑफ लेबर है, काम को बांटा गया है, ठीक उसी तरीके से जो सेल है, ईच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स. हर एक सेल के पास भी स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, यानी पार्ट ऑफ द सेल. हर सेल के पास क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो उसका काम करते हैं, जो उसके फंक्शंस करते हैं. ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन. सेल के लिए कोई नया मटेरियल बनाना है, प्रोटीन्स बनाने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाने हैं, फैट्स बनाने हैं, ये सब बनाना है ना, या सेल का जो वेस्ट है उसको हटाना है, ये सारे काम जो है सेल ऑर्गेनेल्स करने वाली हैं. सेल अपने जितने भी काम करता है वो अपने पार्ट्स के हेल्प से, यानी अपने ऑर्गेनेल्स के हेल्प से करता है, और ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स सेल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल द सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनेल्स नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन. तो जो सेल हैं ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द सेल, जैसे कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो जितने भी टाइप के बैक्टीरिया हैं उनके पास लगभग लगभग एक जैसे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे. या अगर हम बात करें प्लांट सेल्स की, तो प्लांट सेल्स जितने भी टाइप, जितने भी धरती पर प्लांट्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव सिमिलर काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स. ऐसे ही एनिमल्स के बारे में डिस्कस करो, तो जितने भी एनिमल्स हैं अर्थ पर, दे हैव एनिमल सेल, और एनिमल सेल में मोस्टली एक जैसी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है. तो अब हम डिस्कस इसमें करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, तो इसका आंसर आ जाएगा, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल बाय सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप. ही वाज ऑब्जर्विंग द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड देन ही सॉ सेल्स, ठीक है ना. तो उसके बारे में आप इसको एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट मटेरियल है वहीं से आप इसको लिख सकते हो. व्हाई इज द सेल कॉल्ड द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो बिकॉज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज सेल फॉर्म्स टिश्यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन, है ना, ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, एंड अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज एबल टू सर्वाइव ओनली बाय द डिवीजन ऑफ लेबर इन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स. तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गन सिस्टम्स की वजह से ही जिंदा रहता है, क्योंकि उसके ऑर्गन सिस्टम्स अलग अलग काम करते हैं जो उसको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं. इसीलिए ये सारे ऑर्गन सिस्टम आज क्यों दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज कोई ना कोई सेल उनको बनाने के पीछे है. तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो स्ट्रक्चरल क्यों है सेल, बिकॉज सेल फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी. एंड फंक्शनल क्यों है, बिकॉज ऑफ द सेल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड. और फंक्शन भी होते हैं, स्ट्रक्चर भी होता है, दोनों काम होते हैं. इसलिए सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो ये दोनों क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर हो जाने चाहिए.